राहे प्रखंड के फुलवार बेहरा बेड़ा गांव के मैदान में आयोजित एक दिवसीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन राहे जीप सदस्य रजिया खातून, मुखिया संतोष मुंडा, अमजद अली अजीत सिंह के द्वारा किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ट्राई बेकर के द्वारा लिटिल एंगल रांची की टीम ने फुटबॉल टीम जमशेदपुर को 1 गोल से पराजित किया। विजेता टीम को जीप सदस्य रजिया खातून व पूर्व मुखिया गिरिवाला देवी ने 15,000 रुपये पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उप विजेता टीम को पंचायत सदस्य सेवाराम भोक्ता, आजसू पार्टी के राहे प्रखंड अध्यक्ष रंग बहादुर महतो, माकपा नेता सुफल महतो और संजय महतो ने संयुक्त रूप से 11,000 रुपये पुरस्कार दिए। मैन ऑफ द मैच अंजू मुंडा तथा मैन ऑफ द सीरीज रिया वर्मा को दिया गया। संचालन धनु नाग ने किया। धनु नाग के कमेंट्री से दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में मुखिया संतोष मुंडा, विनोद स्वासी, सुनील कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। सोना न्यूज राहे से विनोद बैनर्जी की रिपोर्ट। मैम को सारे जैसे धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मैच को अच्छी तरह से आयोजन किया और मैच पूरा भी हुआ और हम लोग इस मैच में विनर बने। इसके लिए मैं पूरे यहाँ के कमेटी वालों को सारे जैसे धन्यवाद देती हूँ। हम लोग रास्ता बहुत आगे चल गए थे, भूल गए थे, फिर ये सर है वो हम लोग को बताए, फिर हम लोग इधर आए। तो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ के जो मतलब बड़े ये हैं उनको, यहाँ का रास्ता थोड़ा खराब है, उनको भी थोड़ा ठीक करवा दें ताकि यहाँ आने जाने में बहुत अच्छा हो। इसलिए मैं आपको यहाँ की कमेटी वालों को सारे जैसे धन्यवाद देती हूँ। मुंडा ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत होटल के मुखिया और खास करके मैं इस गांव के स्थानीय हूँ। ऐसे पूरे हमारे गांव में हमारा जो मेला कमेटी है, मेरे ही नेतृत्व में हमने सोचा कि भाई पुरुष का खेल तो बहुत जगह होता ही है, हम लोगों ने सोचा कि हम महिला का फुटबॉल खेल करेंगे। इसमें वास्तव में ये जो मेला का भीड़ बताया कि शायद पुरुष का खेल होता तो इतना भीड़ नहीं लगता। इसमें बहुत सारा जितने भी महिलाएं, खास करके महिलाएं ज़्यादा इसमें भागीदारी रहा इस मेला में, इसलिए मेरा ये कहना है कि इस मेला में जिस तरह का उत्साह महिलाओं में देखा गया, हम इस उत्साह को बेहतर रखने के लिए हम चाहेंगे कि प्रत्येक साल हम महिला का ही फुटबॉल खेल करेंगे इस मैदान में। विजेताओं को क्या पुरस्कृत किया जाएगा? विजेताओं को खास करके मैंने यहाँ निःशुल्क खेल किया है और बल्कि उसको पुरस्कृत नहीं, हम सम्मानित करेंगे उप विजेता विजेताओं को, यही मेरा बात है। आपके परिवार या दोस्तों में किसी को धुंधला दिखाई देता है, बल्ब या रोशनी वाली चीजों के आसपास आभासी दिखाई देती है, रात को देखने में परेशानी होती है या चीजें डबल दिखाई देती है, तो ये लक्षण मोतियाबिंद के हो सकते हैं। सिंहपुर नर्सिंग होम सिंहपुर मुरी रांची झारखंड के द्वारा आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिंहपुर नर्सिंग होम अस्पताल परिसर में ही किया जा रहा है, वो भी मात्र 4,000 रुपए में। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की जानकारी दें ताकि जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना हो वो जल्द से जल्द आकर नामांकन करवाएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। प्रबंधन सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9431277155।